हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया, मैं बढ़िया। सो ये देख लीजिए, सो आज का टॉपिक हमारा जो गजानिया के फ्लावर नहीं था फ्रेंड्स, जो मैंने आपको दिखाया है, देख लीजिए कितने अच्छे खिले हुए हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडुला के फ्लावर्स के ऊपर, और आप देख सकते हो फ्लावर्स कितने अच्छे खिले हुए हैं। और ये वही फ्लावर्स हैं जो मैंने आप सबके सामने छोटे छोटे प्लांट लगाए थे फ्रेंड्स, और ये इतने घने हो गए हैं और इतने बढ़िया खिल रहे हैं आज। और ये रोज़ देख सकते हो आप कितना अच्छा खिल रहा है, और बर्ड्स तो बहुत सारी आई हुई है इसके ऊपर। और कैलेंडुला के फ्लावर्स भी आप देख सकते हो सभी कलर्स के खिले हैं, डार्क येलो, वाइट येलो और मिक्स कलर, सभी कलर्स मीन्स मेरे पास है इसके, सभी कलर्स खिल चुके हैं। बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और वर्ड्स भी बहुत सारी आ रही है। और ये ग्रीन ग्रीन लीव्स इसकी बहुत अच्छी लगती है, यदि फ्लावर्स भी नहीं होगे तो ग्रीन लीव्स इसके बहुत अच्छे हैं। और देखने को तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लग रहा है, और इसको हम बास्केट में भी लगा सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। केयर हमें वैसे ही जैसे कि हम दूसरे प्लांट्स की करते हैं वैसे ही करनी होती है, और सॉइल भी हमें वैसे ही बनानी पड़ती है। सॉइल का मिक्सर, गार्डन सॉइल, सैंड और काउडंग तीनों को मिक्स कर मेरा इसमें पहले ही डाला हुआ है। और आप देख सकते हो इसमें मैंने कोकोपीट भी रखी हुई है, और यदि आपके पास कोकोपीट है तो वो आप इसमें मिला लें सॉइल में, तो ये सॉइल बहुत अच्छी बन जाती है। और जो आपके ऑनियन पील्स होते हैं, जो हम घर में ऑनियन यूज़ करते हैं उसके पील्स होते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप डाल सकते हो। और मैं यही सब करती हूँ जिसकी वजह से इतने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं अब तक, जबकि अब मार्च ख़त्म हो चुका है और अप्रैल चल रहा है, अब भी फ्लावरिंग हो रही है। ज़्यादा फूल लेने के लिए आप मस्टर्ड केक होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप डाल सकते हैं, ऑनियन पिल्स का, बनाना पिल्स का, ये सब डालते रहिए तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और मैं ये सब करती हूँ फ्रेंड्स, अभी भी आपने फ्लावर लेने हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मस्टर्ड केक होता है, सरसों की खली होती है, उसको आप किसी बाल्टी में भिगोकर रख दें रात भर, और सुबह उठकर एक मग उसमें से लेकर और दूसरा वाटर उसमें सिंपल वाटर ऐड कर आप इन प्लांट्स को दे सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी और फ्लावर आते रहेंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो फ्रेंड्स आप जो कंपोस्ट होती है, जो रूड़ी की खाद होती है गोबर से बनी हुई, वो भी आप इसमें दे सकते हो। वो किसी मग में भिगो कर रख दे रात भर, और सुबह उठकर उसमें थोड़ा सा और बटर ऐड कर वो भी इन सभी प्लांट्स को आप दे सकते हो। ये तो हमें देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी तो फ्लावरिंग होगी, बिकॉज फ्रेंड्स ये खुली ज़मीन में नहीं लगे हुए हैं, जो पॉट में हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं, इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र देना ही पड़ेगा। चाहे तो आप घर में जो चाय बनाते हैं उसमें चाय जो बच जाती, पत्ती बच जाती है, उसको धोकर भी, वॉश कर भी आप प्लांट्स में डाल सकते हो। मैं यही सब करती हूँ और फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।